भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जिसके कारण यह जो अर्जुन की मनस्थिति बिगड़ गई थी वह मानो एक मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के संदेश के माध्यम से अर्जुन की मनस्थिति सुधर जाती है। उसके भीतर में जो द्वंद्व था वो समाप्त हो जाता है, उसे अपने कर्तव्य का भान होता है और वो किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है ये सब हम जानते हैं। आज हम देखते हैं कि सारे विश्व में सबसे बड़ी समस्या है, सभी लोगों के मन में तनाव है, सभी लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, छोटे या बड़े पैमाने पर। चाहे भले आज करोड़ों लोग मानसिक चिकित्सक के पास जाते हैं अपने मानसिक तनाव के निवारण के लिए, उसके अलावा ऐसे करोड़ लोग हैं जो मानसिक चिकित्सक के पास नहीं जाते परंतु डिप्रेशन से या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। विशेष करके भारत में हमारे यहां भी ऐसी परिपाटी नहीं है कि एक चिकित्सक के पास जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, एक बड़ा काला धब्बा लग जाता है। वहां पर विदेश में तो वो तुरंत बोल देते हैं कुछ भी समस्या हो तो चलो जाओ जाकर के साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के साइकोनालिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिक के पास जाओ, साइकोथेरापिस्ट के पास जाओ। वहां ये बहुत बड़े कॉमन है, बहुत सारा लड़े बात है। यहां पर अभी भी एक प्रकार का मानो वह एक प्रकार की झिझक है कि यदि मानसिक चिकित्सा कराई तो लोग क्या कहेंगे। परंतु बात यह है कि वह डिप्रेशन की जो बीमारी है वो छोटे बड़े पैमाने पर आज कई लोगों को लग गई है और कुछ ही समय में वो डिप्रेशन की बीमारी सारे विश्व की सबसे बड़ी समस्या होगी। अभी भी वो बड़ी समस्या तो है ही, पर सबसे बड़ी समस्या और मनुष्य को खत्म करने वाली सबसे बड़ा कारण बनेगी ऐसा मनोवैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। जिस प्रकार से ये डिप्रेशन की बीमारी जोर से फैल गई है उसकी कई कारण हैं, उससे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, पर कहने का मतलब यही है कि आज जब मानसिक तनाव से जब मनुष्य गुजर रहा है विभिन्न परिस्थितियों के कारण और इस प्रकार के तनाव की स्थिति है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो बहुत सारे उपाय साइकोलॉजिस्ट लोग बताते हैं, आधुनिक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बताते हैं, वह कुछ उसका कुछ फल नहीं नजर आ रहा है। फल तो मिलता है तो बहुत कुछ समय के लिए मिलता है। वो मानो एक प्रकार वो मनोचिकित्सकों के पास गए तो चिकित्सा तो दूर होने वाले की बात तो है ही नहीं, यह है कि कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिली, उसके बाद और ड्रग दिया और वो ड्रग के और कुछ साइड रिएक्शन हुए तो एक रोग तो दूर हुआ, 10 रोग और लगे, फिर उसके उसकी दवाई ली तो उसके साइड रिएक्शन हुए, या फिर यह जो ब्रेन के जो सेल हैं हमारे उस दिमाग के उनको ही ये लोग खत्म कर देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सिर नहीं गया सिर नहीं रहेगा तो सिर तक कहां से होगा। अब मनुष्य का मन ही खत्म हो जाएगा तो फिर मानसिक तनाव कहां से आएगा। ये मानो एक नेगेटिव अप्रोच है आधुनिक मनोविज्ञान, उसके सामने प्राच्य मनोविज्ञान वेदांत के दर्शन के पर आधारित जो मनोविज्ञान है वह कहता है कि नहीं, मन को खत्म करना नहीं, मन को सबल बनाना है। तो मन सबल कैसे बन सकता है, ये पाश्चात्य मनोविज्ञान तो उसको मान ही नहीं सकते कि मन सबल बन सकता है। क्यों? उनके अनुसार केवल दो ही वस्तु है, शरीर और मन। जो कुछ है मन है, परंतु भारतीय वेदांतिक प्रणाली के अनुसार मैन इज नॉट ओनली ए बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, यह केवल मन और शरीर का वह एक तत्व नहीं है और उसके परे एक चैतन्य तत्व है, आत्म तत्व, आत्मा है। और यह जो आत्मा है
इस चैतन्य तत्व के चैतन्य से यह जो मन है वह मानो लगता है कि वह बुद्धिमान है, वो लगता है कि मानो चैतन्य स्वरूप है, पर भारतीय वेदांत भारतीय मनोविज्ञान की प्रणाली के अनुसार यह जो मन है वो भी जड़ है पर सूक्ष्म जड़ है। यह शरीर वो स्थूल देह है, उसके भीतर में जो मन है वो भी जड़ पदार्थ है परंतु सूक्ष्म पदार्थ है। उसके भीतर का जो चैतन्य तत्व है वो मन का चैतन्य तत्व नहीं, वो उधार दिया हुआ चैतन्य तत्व आत्मा का है, और ये आत्मा है वो सर्वोपरि है, उसमें अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति के कारण वो अपने मन के परे जाकर के एक मनुष्य उस टेंशन को, उस मनुष्य मानसिक तनाव को झेल सकता है, तो उसके भीतर में ही है और कहीं से बाहर एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं। सारी शक्ति, सारी ताकत, समस्त यह चैतन्य अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का वह तत्व, वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर में पहले से विद्यमान है। और यही बात स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सभा में कही थी, जिसके कारण वह अमेरिकन लोगों को यह जो टेंशन का दूर हुआ, उसके कारण स्वामी विवेकानंद को इतनी क्यों इतनी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने उनके समस्या का समाधान किया। आज इन समस्याओं से भारतीय समाज गुजर रहा है, आज से 100 साल पहले अमेरिकन समाज उसी दौर से गुजर रहा था, आर्थिक विकास हो रहा था, पर साथ आज जबकि हम लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, उस समय वह उसी प्रकार से डेवलपमेंट की दौड़ में दौड़ रहा था, और उस समय वह जो मानसिक तनाव से गुजर रहा था जो आज हम लोग को है, वही का बात 100 साल पहले थी। और ये जो मनुष्य का मन इस प्रकार से दुखी था, वहां पर स्वामी विवेकानंद ने जाकर के उनको एक बहुत बड़ी आशा की किरण दी, नहीं नहीं तुम लोग दुर्बल नहीं हो, तुम लोग निर्बल नहीं हो, तुम्हारे भीतर में वह आत्म तत्व है। ई द चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टल ब्लिस होली एंड परफेक्ट बींग्स, ई डिविनेशन ऑफ सिनर्स, इट इज अ सीट टू मॉलिज सीट टू फॉल एन एंसर, इट इज अ स्टडी लैब ऑफ ह्यूमन नेचर, कम अप योर लॉयंस एंड शेक ऑफ द डिविजन दैट यू आर शी, योर सोल इज इमोर्टल, स्पिरिट स्लीप, ब्लेस इंटरनल, यू आर नॉट मैटर, यू आर नॉट बॉडीज, मैटर इज अ सर्वेंट, नॉट इज अ सर्वेंट ऑफ मैटर। उन्होंने कहा कि वो सिंह इस मिथ्यावरण को जगह करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो, तुम्हारे भीतर में अगर अगर आत्मा है उसके भीतर में अनंत शक्ति पड़ी हुई है, कहीं बाहर चलाने की जरूरत नहीं है, उसको याद करके उस शक्ति को जागृत करो और दुखी होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, हताश होने की आवश्यकता नहीं, सारी शक्ति भीतर में पड़ी हुई है। यह जो वेदांत का संदेश है जो इस सारे उपनिषदों का सार भगवद्गीता में दिया है, सारे वेदों का सार वेदांत में उपनिषदों में, और उपनिषदों का सार सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थोपस्त सुदेव भोक्ता दुग्धम गीता अमृतमत। कितनी बड़ी, कितना कितनी हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात, अर्जुन रूपी वो सारे जीव का प्रतिनिधि उस बछड़े को खड़ा कर दिया और भगवान ने स्वयं ने दूध दोहना शुरू किया, भगवान ने स्वयं गाय का दोहना शुरू किया, और कैसी गाय, सर्वोपनिषदों का हो, सारे उपनिषद रूपी जो गाय है उसका दोहन करके ये गीता रूपी अमृत हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उस गीता रूपी अमृत में और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जरूरत नहीं है, कोई डिप्रेशन की बात नहीं, किसी साइकेट्रिक के पास नहीं, सारा यहां पर दे दिया पूरा मसाला। कितनी अद्भुत बात, और न इससे रेट बढ़ने की कोई चिंता, ये गीता का वह पुस्तक 5 पैसे में 10 पैसे में मिल जाएगी, और कोई कहेगा तो तुरंत आपको मुफ्त में दे देगा, अभी भी यहां से आपको जिसको ले जाओ टेबल पर पड़ी हुई है, कोई इंक्रीज ऑफ कॉस्ट का कुछ नहीं, वह अनंत शक्ति का पुंज, ऐसा वह उपनिषदों का खान, यह उपनिषदों का सारा सार, वो गायों का दूध धो करके भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया, पर धोने के लिए बछड़ा चाहिए, अर्जुन तो मात्र बछड़ा मात्र है, उसको देख करके दूध गाय लेती है, और यहां पर यह इसी अर्जुन को केंद्र करके सारे विश्व के समक्ष यह जो भगवद गीता में अद्भुत वह रसायन प्रस्तुत किया है। इसलिए आधुनिक मानव के लिए कुछ लोग कहते थे अभी व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ भगवद गीता, अरे 5000 साल पहले जो बात कही गई उसका आज क्या रेलिवेंस है,
और तब हम यही कहते हैं कि 5000 साल पहले मनुष्य के मन में डिप्रेशन था, वो कम था, अभी ज्यादा है, इसलिए आज उसका रेलिवेंस और ज्यादा है। उस समय इतनी सारी समस्याएं नहीं थी, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, समाज इतना सारा, समाज में इतनी सारी समस्याएं नहीं थी, न तो उस प्रकार के वैज्ञानिक साधन थे, न साइबर स्पेस था, न इंटरनेट था, न वो इस प्रकार के जो गैजेट्स थे वो थे, न मोबाइल था जो बार बार बच करके आपको परेशान करे, कुछ नहीं था उस समय। उस समय के जमाने में तो कितना फिर भी टेंशन था, तो आज तो टेंशन कितना करोड़ गुना बढ़ गया, तो आज उसका रेलिवेंस, आज उसकी सार्थकता और ज्यादा है। और इसीलिए भगवत गीता का प्रथम अध्याय सबसे ज्यादा महत्व का है। प्रथम अध्याय का नाम दिया अर्जुन विषाद योग। ये अर्जुन का विषाद वो भी भगवान के मिलने के लिए योग बन गया। ये कितना बड़ा संदेश है, यदि आपके मन में डिप्रेशन है, यदि आपके मन में हताशा है, निराशा है, आपके मन में कोई समस्या है, ये समस्याएं आपको भगवान के मिलने के लिए बहुत अच्छा साधन बन सकती। समस्या नहीं तो नहीं हो सकता है, समस्या वहां आवश्यक है, पर ये समस्या का समाधान साइकोलॉजी के पास जाने से एक प्रकार का मिलेगा, और भगवान श्री कृष्ण के पास जाने से दूसरे प्रकार का मिलेगा, तो जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य है वो अर्जुन का विषाद जो उनको भगवान के साथ योग करा देता है। विषाद नहीं होता तो योग नहीं होता। इस परिप्रेक्ष्य में हम जान सकते हैं कि श्रीमा शारदा देवी ने जो कहा था वो कितना सत्य है। श्रीमा शारदा देवी ने कहा, लोग कहते हैं मैं दुखी है, मन में शांति, मन में शांति है, दुख दुख मन को तो दुखी, हमको दुख है, दुख है, पर वो लोग भूल जाते हैं कि दुख तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। आश्चर्य, दुख कृपा है, सुख तो कृपा हम समझ सकते, दुख कृपा है, पर ये बात सच है कि जब तक दुख नहीं आता है तब तक वो ईश्वर के पास आना नहीं होता। कई लोगों का बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना मार खाए आते हैं। बंगला में कहावत है, कोई देखे सीखे, केवल ठेके सीखे, केवल ठेके ना सीखे, कोई देख करके सीख जाता है, पर कोई ठोकर खा के सीखता है, बिना ठोकर खाए नहीं सीखता, और कोई ठोकर खा के भी नहीं सीखता, तो और भी उससे भी और भी ज्यादा बुद्धिमान, पर अधिकांश लोग ठोकर खा के सीख जाते हैं। बहुत कम लोग हो जो दूसरे ठोकर खाते हैं, इससे सीखने वाले बहुत कम, इसलिए हमको ठोकर की आवश्यकता है। वही अर्जुन विषाद योग, अर्जुन जैसे अर्जुन को भी यह विषाद हुआ, यह मानो ठोकर खाना, यह हमको भगवान के पास ले जाता है। राम स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के बहुत बड़े सन्यासी थे, महान सन्यासी थे, उपाध्यक्ष भी बने, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी के महाराज के पास से उनको दीक्षा मिली हुई थी, बहुत अच्छी पुस्तक उनकी, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, हिंदी में उसका नाम है ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, गुजरा के नजर अनुवाद नहीं हुआ है, बहुत अच्छी पुस्तक। उसमें स्वामी यतीश्वर जी कहते हैं, समटाइम्स आई प्रे टू द लॉर्ड टू गिव सफरिंग टू देम, टू गिव सफरिंग टू द डिवोटीज। अरे भाई ऐसा बात नहीं, कैसे डेंजरस स्वामी जी है। अरे लोग प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, उनके दुख को कम करो, वो बोलते समटाइम्स आई प्रे टू द लॉर्ड टू गिव सफरिंग टू द डिवोटीज, अदरवाइज दे विल नेवर कम टू द पार्ट। उनका कारण बताते हैं कि यदि ऐसा नहीं हो तो कभी वो सत्य तक नहीं आएंगे। तो सत्य तक लाने के लिए कभी कभी एक हैवी डोज की जरूरत रहती है। ये जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक हम रास्ते पर नहीं आते। अधिकांश लोगों के लिए यही बात सत्य है, बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के ठोकर से ही सीख जाते हैं। और इसी कहते हैं, दुख में सुख में सब करे, सुख में खड़े न करो, जो सुख में सदुरन करे तो दुख का है, पर नहीं होता है। तो कितना भी हम लोग इसको सुनते हैं, बोलते हैं सुख में हम लोग इतने उस समय तो एकदम हवा में उड़ने लगते हैं, कहां भगवान और कहां क्या, टाइम ही नहीं है भगवान के लिए, क्या टाइम है, बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, नई ब्रांच खोलनी है, ये है, उसमें कहां भगवान के लिए फुर्सत है, बिल्कुल टाइम नहीं है, लास्ट प्रायोरिटी, एकदम दी लास्ट प्रायोरिटी है। फिर जब ठोकर खाते हैं तब वो भगवान के पास आते हैं, वो भी सब नहीं आते, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान के कारण ही विपत्ति हुई, इसलिए उनका थोड़ा सा रहा था विश्वास भी चला जाता है, और जो जेन्युइन रहते हैं, जिनके संस्कार अच्छे रहते हैं, वो भगवान के पास आते हैं।
केवल ठोकर खाने से भगवान के पास आएंगे ऐसी बात नहीं थी, तो आज तक कितने लोग ठोकर खाते रहते नहीं होता है। और इसके लिए हमको कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही यहां पर कहेंगे, मनुष्या सहस्त्रेशु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानां कश्चित माम व्यक्ति करते, मनुष्याणाम सहस्त्रेशु हजारों हजारों लोग को एकाधी भगवान को चाहता है और उसमें से कोई एकाध को मिलता है। तो ये जो परसेंटेज है, हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, अरे बाबा रे ये बात है तब तो फिर हमारा चांस तो लगना ही नहीं, उल्टा है, हमको यह मान लेना चाहिए कि हम उसमें से हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेशु कश्चित यतति सिद्धे, हम उन रेयर फलों में से है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम इस लाइन पर हैं, तो हमको समझना चाहिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उन रेयर कुछ लोगों में हैं जो भगवान से नहीं चाहते भगवान को चाहते हैं। ऐसे कई बहुत कम लोग हैं उसमें सामने एक है, तो हमको उसका गौरव होना चाहिए। हमको गौरव प्राप्त को डिप्रेस करने की बात नहीं कही, और जो सिंसियर एस्पायरेंट है उनको मानो एक कॉम्प्लीमेंट है, यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, हजारों हजारों में तुम ही एक ऐसे हो, ऐसा ये भगवत गीता एक इंस्पिरेशन दे रही, मोटिवेशन कर रही कि हाउ ग्रेट यू आर, कितने महान हो, कि ऐसे करोड़ों करोड़ में तुम एक ऐसे निकले जो कि भगवान से नहीं चाहते भगवान को चाहते भगवान को समझने का प्रयत्न कर रहे, यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट। और दूसरा मानो हमको तैयार भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन पद है, इसलिए हमको उसकी तैयारी रखनी चाहिए, पहले से हमको तैयार करते थे मानसिक रूप से कि आएंगे, देयर विल बी सम रिवर्सेस, कभी कभी ऐसा भी होगा कि मानो हम पीछे चले गए, नीचे उतर गए, कभी कुछ लग गया, गिर गए, पर ये पथ ही ऐसा कठिन है या कभी कभी गिरेंगे, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है भाई, बिकॉज रेयर, बहुत रेयर है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से हमको मानो तैयार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, हमको डिस्करेज करने के लिए, भाई हजारों से देखी है तो भाई ये टाटा हमारे पास हमारा इज नॉट माई कप ऑफ टी, टाटा चला अपना वो पहले भेड़ के दल में जब चल जाओ भाई, भेड़ का झुंड जा रहा है, कम से कम एक साथ तो रहेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं ये हमको डिस्करेज करने के लिए नहीं, हमको परंतु हमको एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, नहीं यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट सेकंड, क्योंकि पद कठिन है इसलिए उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए, इसलिए वो तैयार कराने के लिए ऐसा कह रहे हैं, डिस्करेज करने के लिए कर रहे हैं। यदि स्वामी विवेकानंद ने जब कहा कि द रोड टू द गुड इज टफेस्ट स्टीपेस्ट इन दिस यूनिवर्स, वो जो रास्ता है बहुत कठिन है, इट इज अ वंडर इफ यू सक्सीड, नो वंडर सो मेनी फॉल, एक बड़ा आश्चर्य है कि कुछ लोग इसमें सफल होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य कि इतने सारे गिर जाते हैं, इसलिए यदि हम गिर जाए तो ये स्वाभाविक है, ये पथ ऐसा है कि यार यदि हम गिर जाते हैं, बीच बीच में हमको हमारा पतन हो जाता है, बीच बीच में हमारी गुले हो जाती है, तो उसे डरना नहीं, क्यों, ये स्वाभाविक है, नहीं गिरना अस्वाभाविक, इसलिए कोई बिल्कुल चिंता की बात नहीं, बीच बीच में गिरेंगे, बीच बीच में रिवर्सल आएगा, बीच बीच में ऐसा लगेगा कि हम तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, वो पथ ही ऐसा कठिन, बीच में गिरना पड़ेगा, फर्स्ट एड बॉक्स साथ में रखना ही पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स साथ में रखने के लिए कहा है, ये नहीं कहा तुम डराने के रूस पक्ष में मत जाओ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, पर साथ में रखो, फर्स्ट एड बॉक्स रखो, गिरना पड़ेगा, गिरने के लिए साथ नहीं गिरोगे तो इससे रेयर नहीं, गिरोगे स्वाभाविक, गुड वन लगाओ, फिर से लगाओ, पट्टी लगाओ, फिर आगे बढ़ो, इसके लिए बताए क्यों, इसका भी बहुत लोगों ने विश्लेषण किया था, और पिछले हम लोगों ने 6 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली और 7 अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ कर दी थी, जहां पर भी भगवान ने कहा श्री भगवान वाच भैया सत्कमना पार्थ योगम युजन बदाश्रय अश्रय समग्र माम यथाध्यासू, हे पार्थ तू मेरे में अनन्य प्रेम से आकर तुम्हें मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्राण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मा स्वरूप जिस प्रकार
संशय नहीं जानेगा उसको उसको क्योंकि ये कनेक्शन हमने कहा था पिछले अध्याय में कहा था कि मेरे को जानने की जो अलग योगी है वही सर्वश्रेष्ठ तो आपको कैसे जानूंगा यह जो संशय आता है संशय कैसे शुरू होगा और इसी के भगवान श्री कृष्ण के बारे में स्वामी करने का संशय राष्ट्र तो ये कहा बात में कहते हैं ज्ञानम तेहम सब विज्ञान पक्षा विशेषता यश ज्ञापन भूयो ज्ञातव्य अवशिष्य मैं तेरे भी इस रहस्य से तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और भी कुछ जाने योग्य शेष नहीं रहता है किसको जाने से योगी नहीं रहता शेष जाने लायक उनको जानने से जैसे हमने कहा था कि गीता मान लो तीन भागों में विभक्त है तत् त्वम असि त्वम के बारे में पहले श्रद्धा में कहा तत् के बारे में अभी शुरू कर देंगे तत् माने ईश्वर परमात्मा वह जो परम तत्व उसके बारे में भी कहेंगे और असी दोनों का कैसे जो संबंध है उसके बारे में फिर आखिर छह अध्याय में कहेंगे ऐसा सब कुछ लोग कहेंगे कहते हैं मैं तेरे लिए रहस्य तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और भी कुछ जाने योग शेष नहीं रहता तो किसको जाने से कुछ शेष नहीं रहता क्या है कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जाने से और कुछ शेष नहीं रहता है तो उपनिषद में कहा ब्रह्म ज्ञान एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर और कुछ शेष नहीं रहता मुंडक उपनिषद में दो प्रकार की विद्या की बात बताई वे विद्या वित्तव्य पराजय अपराजय दो प्रकार की विद्या अपरा विद्या परा विद्या अपरा विद्या माने जो कुछ भी हम जानते हैं ज्ञान वो सब अपरा विद्या है फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स हिस्ट्री ये सब कुछ लिटरेचर जो कुछ भी इस विषय जितने विषय हम सोच सकते हैं लाखों करोड़ों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेडिकल ये सभी अपरा विद्या है इतना ही नहीं वेद जो है या धर्मशास्त्र है रामायण महाभारत ये भी अपरा विद्या है भगवद गीता भी अपरा विद्या सब कुछ अपरा विद्या तो परा विद्या क्या है परा विद्या ने उस पर को जाना वह जो परम चैतन्य तत्व है एब्सोल्यूट रियलिटी बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड पोजिशन जो समय स्थल काल की मर्यादा के परे जो परम तत्व है उस तत्व को जानना यह है परा विद्या और उसको जानने के बाद फिर और कुछ शेष नहीं रह जाता क्यों एक बार उसको जब जान लिया तो वह अनंत ज्ञान मिल गया फिर और कुछ जानने को बाकी नहीं रहता है तो श्री रामकृष्ण कहते हैं चातुरी चातुरी चतुराई किसको चातुरी बंगला में चातुरी बोलते हैं हिंदी में चतुराई बोलते हैं चतुराई किसको बता रही है तो बड़ा चतुर है क्यों चतुर है अरे देखो ना एक साल में 10 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया ऐसा इंडस्ट्री चलाया बहुत चतुर है कितने लोगों को डुबाया और खुद 10 करोड़ रुपया ले लिया कितना चतुर है कितना बुद्धिमान है तो वह एक प्रकार की चतुराई है वो भी चतुराई है कि पैसे पैसे कमाने में आगे बढ़ना ये भी चतुराई है या गोल्ड मेडल आज गोल्ड मेडलिस्ट लोगों का सम्मान होगा विदो पर ये भी चतुराई है दिस इज ऑल्सो एक्सलेंट उनका एक परफॉर्मेंस है तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और गोल्ड मेडल मिल गया उनको तो बहुत मेहनत की तो ये उनकी बुद्धिमता है का वो द्योतक है यह एक प्रकार की बुद्धि है गोल्ड मेडल मिलना परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करना एक प्रकार की चतुराई है वो भी चतुराई है पैसे कमाना जीवन में और भी कई प्रकार की वस्तुएं हैं उसमें मेडल लाना यह भी एक प्रकार की चतुराई श्री रामकृष्ण कहते हैं पर सबसे बड़ी अच्छी चतुराई कौन सी है सा चातुरी चातुरी जिस चतुराई से जिस बुद्धि से उनकी प्राप्ति होती है ईश्वर की प्राप्ति ये सचमुच में चतुराई है जिस चतुराई के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्यों उसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने योग्य रह नहीं जाता बस सब कुछ हो गया सब कुछ मिल गया क्योंकि अनंत ज्ञान मिल गया उनको प्राप्त कर लिया उनको जान लिया और जानने को कुछ बाकी नहीं रहता है और प्राप्त करने को भी कुछ नहीं रहता है शिव जी ने कहा गणेश को और कार्तिक को कि जो सबसे पहले सारे पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर देगा उसको इनाम होगा कार्तिक हंसे कार्तिक
अरे ये गणेश ऐसे भी को गणेश नाम ही गोबर गणेश, गणेश ऐसे ही तो हिल्लू नहीं सकते, इतना बड़ा पेट है। और ऊपर से उसका जो वाहन है मूषक चूहा, चूहा धीरे धीरे जाएगा, और मैं तो इतना बलवान, और फिर मेरा तो वाहन है मोर मयूर, मैं तो बहुत पहले आ जाऊंगा। निकले फटाफट प्रदक्षिणा किया, जल्दी 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 प्रदक्षिणा करके वापस आए। वापस आके देखे तो शिव और पार्वती के पास गणेश जी बैठे वो प्राइज लेकर, है नेकलेस, पार्वती का नेकलेस पहनकर बैठे हुए। ये तो बड़ा सरासर अन्याय है, ये कैसे वापस आ गया इतना जल्दी, मैं तो मयूर में गया ये चूहे में गया, इतना जल्दी कैसे वापस आ गया। तब उसने बताया कि तो गए ही नहीं है, अन्याय है, प्रदक्षिणा मैं कर दिया और उसको मिल गया, आपने कहा तो प्रदक्षिणा कर लेगा। तो गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी शिव और पार्वती की चारों ओर प्रदक्षिणा कर दी। अरे बोले सारा विश्व तो यही है, आपको सारे विश्व ब्रह्मांड के अधिपति है, तो मैंने सारा विश्व ही आप ही है, तो मैंने भगवान की प्रदक्षिणा कर ली, तो उसके बाद बाकी क्या रहा, सारे अपनी तो यहीं पर है। तो बुद्धिमान चातुरी चातुरी यह बुद्धिमत्ता थी उसकी। गणेश जी ने कहा मेरी आपके आपके आप सारी पृथ्वी के मालिक तो आप ही हैं, तो आपको प्रदक्षिणा करना मतलब पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी, बस प्रदक्षिणा करके बैठ गया आराम से और लड्डू खा लिया और मैं नेकलेस भी मिल गया। यह बुद्धिमत्ता उनको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने के योग नहीं रहता, उनको जानने के बाद उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस परा विद्या को प्राप्त करने के बाद उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ जानने को शेष नहीं रहता। दैट इज पार एक्सलेंस, नॉलेज पार एक्सलेंस। भले ही उसमें कुछ प्रकार की सिमिलरिटी है, यहां पर भी अभी आधुनिक मनोविज्ञान ने कहा कि यदि एसक्यू प्राप्त हो जाएगा फिर आईक्यू और ईक्यू अपने आप आ जाएंगे, और उसके लिए अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। एसक्यू माने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जब एक बार आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा तो वह बुद्धि वह इस प्रकार की हो जाएगी, सर्वदक्षिणी सर्वलक्षिणी बुद्धि। स्वामी विवेकानंद ने वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, इसके कारण उनकी ऐसी बुद्धि हो गई कि कोई भी विषय उनके लिए खेल था, तुरंत उसके उसमें उनको स्पेशलाइजेशन मिल जाता था। क्यों मिल जाता था, क्योंकि उनकी एकदर्शिनी बुद्धि नहीं थी, सर्वदर्शिनी थी। तो एक बार उनको वह जो ब्रह्म ज्ञान मिल गया, वह जो परा विद्या मिल गई, तो बाकी विद्या फिर उनके लिए बाएं बाएं हाथ तक है और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाती। पहली बात, बाकी इतनी सारी विद्याओं की आवश्यकता क्यों, उसी में सारा फुलफिलमेंट है। जो कुछ भी हमें चाहिए अनंत ज्ञान मिल गया तो अनंत आनंद भी मिल गया, अनंत जीवन भी मिल गया, फिर बाकी क्या रहा, कुछ जानने को बाकी नहीं रहा, कुछ प्राप्त करने को बाकी नहीं रहा। और इसलिए कहते हैं ज्ञानम तेहम सब विज्ञान इदम पक्षाम शेषतर यश आत्मा भूयोन यश ज्ञातम यम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण तरह से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जाने योग्य शेष नहीं रहता। तो हमने इसी पर विस्तृत से चर्चा की थी कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। यह जो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माने नॉलेज, विज्ञान माने विशिष्ट रूपेण ज्ञान, विशेष प्रकार का नॉलेज। तो यह जो विशिष्ट प्रकार का नॉलेज है, इसका मतलब यह जो विज्ञान है वो साइंस हम बोलते हैं ना कि भाई एक कई कौन कौन से सब्जेक्ट है, भूगोल है, इतिहास है, विज्ञान है। वह जो विज्ञान साइंस का सब्जेक्ट है वो विज्ञान और ये विज्ञान अलग। यह विज्ञान का मतलब है उसको जानना, पढ़ा विज्ञान परमात्मा को जानने, यह है विज्ञान। श्री रामचंद्र ने कहा किसी ने दूध के बारे में सुना है, यह है अज्ञान। किसी ने दूध को अपनी नजर से देखा है, यह है ज्ञान। और किसी ने दूध को चखा है, यह है विज्ञान। तो यह डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो जब हो गया उसके लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए आदि शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उसको ये नहीं कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान, नॉट डायरेक्ट परसेप्शन, तो डायरेक्ट परसेप्शन नहीं कहा, ये नहीं कहा प्रत्यक्ष ज्ञान। उन्होंने क्या कहा, अपरोक्षानुभूति। क्यों, प्रत्यक्ष ज्ञान किसको बोलते हैं,
हमने कहा मैंने प्रत्यक्ष रूप देखा, प्रत्यक्ष माने मैंने इन आंखों से अपनी आंखों से देखा वो चोरी कर रहा, यह है प्रत्यक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान क्या है कि मैंने किसी के पास आपसे सुना किसी के बारे में वो चोरी कर रहा था, वो है परोक्ष ज्ञान। पर उससे ज्यादा अच्छा कौन सा है? प्रत्यक्ष ज्ञान, मैंने अपनी आंखों से देखा वो चोरी कर रहा। और ये ब्रह्म ज्ञान कैसा है? न तो प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। क्यों? परोक्ष का ही नहीं, परोक्ष सवाल ही नहीं, प्रत्यक्ष क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इन आंखों की आवश्यकता है, खसर को प्रत्यक्ष नहीं है। यदि आंखें न रहे तो हम उस शोर को नहीं दे सकेंगे। केवल आंखों के रहने से नहीं होगा, मान लो आंखें तो अच्छी है तो भीतर की जो इंद्रिय है वो खराब हो गई, या ब्रेन नर्व खराब हो गए, ऑप्टिकल नर्व खराब हो गए, तो भी हमको दिखेगा नहीं। इनके माध्यम से देख रहे हैं, पर ब्रह्म ज्ञान के लिए उनको देखने के लिए न तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं, या आंखों की भी आवश्यकता नहीं। यह हमें खास उसको जानना है, इसको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद जब विद्यार्थी अवस्था में थे तो कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब पाश्चात्य दार्शनिकों की किताबें पढ़कर के अज्ञेयवादी बन गए। किसने देखा है ईश्वर? सब लोग कहते ईश्वर ईश्वर, पर ये सब पाश्चात्य दार्शनिकों ने तो काफी इसके ऊपर प्रश्न उठाए थे, तो उनके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठे कि भाई ये इसका प्रमाण क्या है? सब लोग बोलते ईश्वर ईश्वर ईश्वर, व्हाट इज द एविडेंस? तो उनका मन थोड़ा सा ये हो गया, अज्ञेयवादी बन गया। नास्तिक तो नहीं बोलते, बोल सकते, और अज्ञेयवादी बन गए। उसके बारे में संशय वाले बन गए कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, पर वो सत्य को जानना चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो नास्तिक थे, सो कॉल्ड एथेइस्ट थे। क्या भगवान भगवान छोड़ो यार, खाओ के मजा करो, क्या ये जवानी में ये समय मिला है हमको मजा करने के लिए? ये सब सब्जेक्ट के लिए, ईश्वर है या नहीं जान लो, हटो, कोई है ही नहीं ईश्वर, ईश्वर छोड़ो मजा करो, ऐसे नहीं थे। नहीं, वो नास्तिक नहीं थे, वो अज्ञेयवादी थे। उनको ईश्वर की अस्तित्व पर संदेह था कि यदि ईश्वर सर्वसमर्थ ईश्वर यदि है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? और यदि दुनिया में दुख की निवृत्ति करने का उपाय उसके पास नहीं है तो फिर वो ईश्वर का है? या तो बोलो कि वो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी यदि वो इतने सारे दुखों को ईश्वर में डालता है तो फिर दयालु मत बोलो उसको, कम से कम ये बोलो कि क्रूर है, सर्वशक्तिमान है पर अत्यंत क्रूर है। एक तरफ से बोलते वो दयालु है, एक तरफ इतना सारा दुख है, या तो बोलो दयालु, या तो बोलो सर्वशक्तिमान, या बोलो कि हाँ दयालु तो है पर उसमें ताकत कुछ नहीं है, इतने सारे दुख को दूर करने की उसमें ताकत नहीं है, वो असमर्थ है। तो फिर सर्वशक्तिमान क्यों बोलते हो? इसीलिए सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर के प्रति उनके मन में बहुत बड़ा रोष था, बहुत बड़ा क्रोध था। मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, किसने देखा ईश्वर, क्या बड़ी बड़ी ईश्वर की बातें करते, ये उनके मन में एक प्रश्न आए थे। ऐसा नहीं था कि वो नास्तिक थे, वो चाहते थे सत्य का साक्षात्कार करना चाहते थे, सत्य क्या है जानना चाहते थे, कैसे हो सकता है, ये उनमें बहुत बड़ी एक जिज्ञासा थी। ऐसे बाहर बाकी युवकों के समान नहीं थे, अरे क्या ईश्वर ईश्वर यार, अभी ये जमाए मिला है हमको, युवानी जवानी मिली है, आप मौज करने के लिए मिले ना, ये सब प्रश्नों के लिए मिली है, छोड़ो हटाओ, किसने देखा ईश्वर? ईश्वर विश्वर कुछ नहीं है, मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो, आइसक्रीम ठंडा हो उससे पहले खा लो, मर जाते हैं पहले भोग कर लो जितना भोग कर लो, क्योंकि मर नहीं है। ये उस विचारधारा के नहीं थे स्वामी विवेकानंद, वो सत्य का साक्षात्कार करना चाहते थे, पर सचमुच में बड़ी असमंजस में थे। वो सत्य के शोधक थे, वांटेड टू नो द रियलिटी, क्या है ये। और इसलिए जब भी सुनते थे कलकत्ता में कोई भी महापुरुष आए, कोई महान संत आए, तुरंत वहां पहुंच जाते थे कि महाशय मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपको कहते हैं ईश्वर की इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने स्वयं ने क्या ईश्वर को देखा है? सचमुच आपने देखा है क्या? आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? बड़ी इंतजारी से पूछते थे।
उनको ये सत्य का जानना था कि क्या बात क्या है, परंतु कहीं से उनको सत्य स्वरूप नहीं मिला। आगे पागल से हो गए, बाकी युवा रहते तो क्या झंझट करो, ऐसा नहीं थे। वो सत्य के शोधक थे, वो चाहते थे जानना कि माजरा क्या है, क्या ईश्वरी है कि नहीं। ईश्वर नहीं तो फिर इस जगत में रहकर के फायदा क्या, अंधा जगत है, अंधा ईश्वर और अंधा जगत में रहकर के फायदा क्या। और तब उन्होंने सुना कि वो ब्राह्म समाज के संस्थापक महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ये बहुत ईश्वर पर ध्यान करते हैं, गंगा में जहाज में रहते हैं, गंगा नदी में जहाज, और जहाज में केबिन में बैठ करके बड़ा सुंदर वो गंगा के तट पटपट वही जहाज में बैठ करके अपने केबिन में रह करके सारा दिन ईश्वर का चिंतन करते। इतने महान वो धार्मिक, इतने महान वो चिंतक है। और ये महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर माने रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताश्री, जिन्होंने ब्राह्म समाज का प्रारंभ किया कलकत्ता में बंगाल में। जब उनके बारे में सुना तो वहां चले गए नरेंद्र नाथ, और जाकर के देखा केबिन में जाकर के प्रवेश किया। महर्षि ध्यान भगन थे, थोड़ी देर बैठे। जब महर्षि जी का देवेंद्रनाथ टैगोर का जब ध्यान समाप्त हुआ, उन्होंने देखा नरेंद्र के बारे में जानते थे, वो भी ये भी जानते थे नरेंद्र बीच बीच में ब्रह्म समाज का मेंबर बन गए थे, और नरेंद्र तो ब्रह्म समाज के तो मेंबर बन ही गए थे उस समय। मॉडर्न यदि कोई भी लड़का होगा तो ब्रह्म समाज का तो मेंबर बनेगा, नहीं तो मॉडर्न नहीं कहा जाएगा। और ब्रह्म समाज का पहला नियम था कि वो लिखित में देंगे, मैं किसी भी पत्थर की मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, ये ब्राह्मण समाज का पहला नियम था। और ये नरेंद्र नाथ उसके उसमें से फर्स्ट मेंबर थे ब्राह्मण समाज के, और वहां जाकर गीत भी गाते थे। तो उन्होंने ब्राह्मण उन्होंने जाना तो था, नरेंद्रनाथ को जानते तो थे। क्या बोले नरेंद्र, क्या बात है महर्षि, मैंने सुना है कि आप तो बड़ा ईश्वर का ध्यान में रजमग्न रहते हैं सारा दिन, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप ईश्वर का इतना सारा ध्यान करते हैं, तो आपने स्वयं ने क्या ईश्वर के दर्शन किए? बड़ी उत्सुकता से उन्होंने पूछा। देवेंद्रनाथ टैगोर तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए तो तैयारी नहीं थी, थोड़ी देर तो देखते रहे हम, इतना ही कहा, पिता नरेंद्र मेरी आंखें बड़ी सुंदर है, योगी के समान है। नरेंद्रनाथ बड़े बहुत ही निराश थे। अरे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपने ईश्वर के दर्शन किए, और बोलते तुम्हारी आंखें सुंदर है। भाई मैं मेरी सुंदरता की प्रशंसा के लिए नहीं आया, मुझे चाहिए मेरे प्रश्न का उत्तर। वहां भी जब नहीं मिला तब बहुत निराश हो गए, नहीं कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। और जब उन्होंने सुना, उनके प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हिस्ट्री जब इंग्लिश लिटरेचर के क्लास देने के लिए आए थे, वो उस समय स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे। आज भी आप जाइए स्कॉटिश चर्च कॉलेज, यदि कलकत्ता जाएंगे तो जो लोग जाने वाले हैं, 20 तारीख को बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, 20 जनवरी को ये स्वामी विवेकानंद के 85वीं जन्म जयंती के अवसर पर नेताजी इंडोर स्टेडियम में बहुत बड़ा उत्सव होगा। उसके पहले 18 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जिस मकान में उनका जन्म हुआ था वहां से प्रारंभ होगा ये 150वीं जन्म जयंती महोत्सव। तो वो 18 जनवरी को बहुत बड़ा उत्सव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आएंगे। तो ये स्वामी जी के जिस जगह पर स्वामी जी का जन्म हुआ, अभी वहां मेमोरियल बनाया है, जैसे यहां पर मेमोरियल बनाया है बड़ौदा में, उसी प्रकार का मेमोरियल वहां भी बनाया गया कलकत्ता में। जो टूटा हुआ मकान था वो खरीद दिया गया रामकृष्ण मिशन के द्वारा, वहां वो मेमोरियल बनाया है। यदि वहां जाएंगे तो वहां के एकदम सामने ही है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जहां स्वामी जी का जन्म था उसके पास नहीं, एकदम थोड़ा सा आगे जाएंगे कॉर्नर में आपको मिलेगा स्कॉटिश चर्च कॉलेज, उसमें स्वामी जी पढ़ते। वहां पर जाकर के जब वो इंग्लिश लिटरेचर का क्लास लेने आए, प्रोफेसर विलियम हिस्ट्री प्रिंसिपल, और वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ा रहे थे, कवि का नाम है, कविता का नाम है एक्सकर्शन, और उसमें वर्णन आता है किस प्रकार से कवि प्राकृतिक सौंदर्य देख करके एकदम अति चेतन अवस्था में चले जाते हैं, सुपर कॉन्शियस स्टेट में समाधि होती है। इस सब की बातें आती, तब विद्या ने पूछा सब क्या सच है, ऐसा हो सकता है कि किसी को इस प्रकार की समाधि की अवस्था हो या अतिचेतन अवस्था में चला जाए? मतलब प्रोफेसर विलियम ने कहा संभव है,
मैंने स्वयं एक मनुष्य को देखा है जिसको इस प्रकार की समाधि की अवस्था बारंबार होती है। तुम लोग चाहो तो तुम भी उस मनुष्य को देख सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वह मनुष्य कलकत्ता में रहता है। उसका नाम है रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर माँ कालिका है, उसका पुजारी है, वो यही कलकत्ता में रहता है। तुम चाहो तो उनको बार बार समाधि की अवस्था होती है, तुम चाहो तो उनके दर्शन कर सकते। ये पहली बार रामकृष्ण के बारे में सुना नरेंद्र, और फिर उनको इनके पास से जब सुना तब उनको याद आया, अरे बहुत समय पहले ये तो वही परमहंस है जो दक्षिणेश्वर में एक रामकृष्ण परमहंस जो रहते थे, जो आए थे पड़ोस में सूर्यनाथ मित्र के यहाँ, गाने वाला कोई नहीं था, गाने वाले का गला खराब हो गया, गाने बजाने वाले थे, तब उस समय नरेंद्र को बुलाया गया था और उन्होंने गाना गाया था और रामकृष्ण परमहंस ने बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था आना भूल ही गए थे। अब ये प्रॉफिट मिले था, अरे यही रामकृष्ण परमहंस, इनको समाधि की अवस्था होती है, हम तो सोचते थे कि वो तो ऐसा ही होता है। तब ये जब प्रोफेसर विलियम एस्टी ने कहा नहीं नहीं वो समाधि अवस्था बने, अरे इनको तो निमंत्रण बहुत पहले से पेंडिंग है, कई बार पहले से कितने वक्त पहले कहा था कि एक बार आना दक्षिणेश्वर, तब उनको याद आया और गए तुरंत दक्षिणेश्वर, गए देखा रामकृष्ण परमहंस छोटी खाट पर। आप अभी भी जाएंगे कलकत्ता तो दक्षिणेश्वर मंदिर में जाएंगे तो वहां कॉर्नर में वो कमरा है जिस कमरे में श्री रामकृष्ण रहते, अभी भी वही कमरा उसी प्रकार से रखा गया है और अभी भी वो दो पुरानी कॉट है, वही कॉट दो कॉट है, एक बड़ी कॉट है जिस पर श्री रामकृष्ण सोते थे, पास में छोटी सी कॉट है जिस पर श्री रामकृष्ण बैठ करके बातचीत कर, अभी भी है। तो छोटी खाट पर बैठकर श्री रामकृष्ण बातें कर रहे थे, बात भक्त लोग चारों ओर बैठे थे और सब भक्त लोग बात सुन रहे थे, श्री नरेंद्र जाकर वहां बैठे एक कोने। थोड़ी देर तो बातें हुई ईश्वर के बारे में, बड़ी बातें हुई, सब उन्होंने सुना और फिर नरेंद्रनाथ ने वही प्रश्न किया जो सब लोगों से कहते थे, उससे महाशय आपने ईश्वर की बड़ी अच्छी बातें की, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने खुद ने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार आपको संतोष का उत्तर मिला जहां श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ बेटा मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं, जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन बारंबार करता हूं, यदि तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं। पूरा मानो यह जो संभाषण है यह मानो यह धर्म और विज्ञान का सेतु है, धर्म और विज्ञान दोनों को यहां मिला दिया। विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि एवरीथिंग शुड बी वेरीफाइड एंड द बेस्ट थिंग एक्सपेरिमेंटेशन, सबका एक्सपेरिमेंट करो और तब जाकर के स्वीकार करो। किसी ने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है पानी कैसे बनेगा, अरे भाई इसमें मानने की बात मैं थोड़ी कहता हूं, तुम लेबोरेटरी में आ जाओ और तुम खुद हाइड्रोजन प्रोसेस करो और फिर तुमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तब तुम बताना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से पानी नहीं बनता। हमने कहा मानने की बात तुमको कही है क्या, हमने कहा लेबोरेटरी में आकर के एक्सपेरिमेंट करके देखो और बाद में मानना। श्री रामकृष्ण ने कहा मैंने देखा है तुझे भी दिखा सकता हूं, और लेबोरेटरी मानना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो अत्यंत सूक्ष्म बात है जिसको हम लोग भूल जाते हैं, श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा, उन्होंने कहा जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन करता हूं, मैं आपको देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से कौन हो सकता है, नहीं मैं जब आपको देखता हूं उसके भीतर वो प्रत्यक्ष नहीं है, क्यों प्रत्यक्ष नहीं है, उसके लिए एक और जिज्ञासा हुआ है, ये जीव चक्षु, केवल चक्षु नहीं, हाँ केवल फिजिकल आप नहीं, उसके पीछे ऑप्टिकल नर्व होनी चाहिए, यदि ऑप्टिकल नर्व खराब होगी बाहर की आंख अच्छी है तो भी नहीं होगा, बाहर की आंख खराब है ऑप्टिकल नर्व अच्छी है तो भी नहीं होगा, ये दोनों होने के बावजूद उसका कनेक्शन भी ब्रेन के साथ नहीं हुआ तो भी आपको नहीं दिखेगा। इतनी सारी चीजें रहती है तब जब आपके दर्शन होते हैं, तो ये जो कुछ भी हम देखते हैं ये प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है अप्रत्यक्ष है, क्यों
pure profession. It is not that direct because something is more needed. पर उस ब्रह्म को देखने का कोई इंस्ट्रूमेंट आवश्यक नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट आवश्यकता नहीं है, कोई आंख की आवश्यकता नहीं है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है। इसीलिए आदि शंकर ने उसको कहा प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कहा, नॉट प्रत्यक्ष अनुभूति, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं, क्योंकि जो डायरेक्ट परसेप्शन हम जिसको बोलते हैं वो इनडायरेक्ट है। तो क्या वो इनडायरेक्ट है? नहीं। तो क्या वो परोक्ष है? नहीं। परोक्ष भी नहीं और प्रत्यक्ष भी, तो क्या है? अपरोक्ष। अपरोक्ष, परोक्ष भी नहीं प्रत्यक्ष भी नहीं, अपरोक्षानुभूति। आदि शंकराचार्य बहुत अच्छा शब्द व्यवहार किया, अपरोक्षानुभूति। यह जो ब्रह्म का ज्ञान है वो अपरोक्षानुभूति है। तो स्वामी विवेकानंद ने बाद में समाधि व्यवस्था इसी अपरोक्षानुभूति का उपयोग का उन्होंने अनुभव किया। श्री राम ने जब यह अपरोक्षानुभूति का अनुभव किया इसलिए कहा तुझे जिस प्रकार से देख रहा हूं उसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं, और इस प्रकार से यह मानव संचय राष्ट्र नाश मात्र। यह जो नरेंद्र नाथ का संचय, वो नरेंद्र नाथ अकेले का संदेश नहीं है, संचय नहीं। जैसे यहां पर ये जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है वो अर्जुन का प्रश्न नहीं है, सारी मानव जाति के जीव के प्रतीक के रूप में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। जीव के प्रतीक के रूप में अर्जुन को बछड़ा को, बछड़े को केंद्र करते हुए गाय दूध दे रही है, पर दूध सबके लिए। उसी प्रकार से नरेंद्र नाथ ने हम सबकी ओर से मानव आधुनिक मानव के प्रतिनिधि के रूप में यह प्रश्न किया कि आपने ईश्वर के दर्शन किए, ये जो संशय है, और इसीलिए आधुनिक मानव का जो संशय है ईश्वर नाम की वस्तु है या नहीं, वो ब्रह्म परमात्मा सब बातें बोलते आत्मा वो है या नहीं। मानो हम सबके उप प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र नाथ ने यह प्रश्न पूछा, श्री राम ने उत्तर दिया हाँ है, इतना ही नहीं मैंने उसके दर्शन किए, इतना ही तू चाहे तो तुझे भी दर्शन करा सकता हूं पर तुझे साधना करना, और नरेंद्र नाथ ने साधना की और फिर बाद में उनको वह परम तत्व की प्राप्ति हुई। इसीलिए शिकागो विश्वविद्यालय सभा में अपनी अनुभूति के बल पर बोल सके थे श्रोण विश्व पुत्र आये धामाय दिव्या तस्तु वेदा हमेशा पुरुषम महातम आदित्य वर्णम तमस परस्ता तमय विदित्वी नानी पंथना है। मैंने उस परम तत्व को देख लिया है, जाने के बाद सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। यह जो ज्ञानम के हम सब विज्ञानम इदम कक्षा अशेषतः यद्यापा ज्ञातव्य का विशिष्ट मैं तेरे इस रहस्य तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार के फिर और कोई भी जाने योग विशेष नहीं रहता। किसको जाने से जाने योग विशेष नहीं रहता है? उसको जानने से सचातुरी चातुरी उस परम चैतन्य तत्व को जानने से, उस परम परमात्मा को जानने से, उस परा विजय को जानने से बाद में और कोई प्रकार के नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। तो यह मानव इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है विशिष्ट रूपेण ज्ञान, यह विशिष्ट ज्ञान कौन सा ज्ञान है? उसको जानने का नाम है विज्ञान। यह विज्ञान को सैन पर उस परम परमात्मा को अनंत को जानने का, और उस अनंत ज्ञान को जानने से अनंत शांति मिलेगी, अनंत सुख मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसके बारे में जो बात के श्लोकों की जो विस्तृत चर्चा है बाद में करेंगे, आज यही समाप्त करेंगे।